लो गाइस, तो क्या हाल है आपके? आज हम बात करेंगे पंचर वालों के ऊपर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेब्रांडूस कुछ ज्यादा समझते हैं अपने आप को। भाई पंचर का काम करो, मस्त चलेगा। ये राजनीति किसी और के लिए छोड़ दो। एक नंबर बोला। और भाई यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर दो भाई, भर दो भाई बिल्कुल कमेंट बॉक्स, जय श्री राम के जयकारों से। जो लॉजिक राम जी के मंदिर पे आता है वही काशी मथुरा में आता है ना भाई? ऐसा तो काशी मथुरा वाले से आता है, वहाँ कोई इकबाल दासरी नहीं है ना। तो देखिए वो चले गए, इसका मतलब मुसलमान मुसलमान होता है महाराज। चीज है वो नहीं, नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। ये भी थोड़ा ठंडा हो जाए, और ये मैं इनको तो बहुत मानता हूँ, ये बहुत होशियार हैं, इसको ये देशभक्त भी हैं, ये सर ही मैं मानता हूँ। मैं तो पहले ही कहता हूँ देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी नहीं कहा। राष्ट्रवादी ये तो इनको मानना चाहिए, इनका पूर्वज हिंदू है, तब मैं मानूंगा ये राष्ट्रवादी। वाला रस्ते भूल गए। सुन सुन इधर बेटे, सुन चोली के पीछे क्या चल बे। मैं शुरू कर रहा हूँ, आप मुझे रोक रहे। मैं समझ रहा हूँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चल के वापस चक्कर में हो कि किसी तरीके से तुम्हारी तरफ देखे, तुम्हारे व्यू देख के, तुम्हारी लड़ूंगा नहीं, मैं गांधीवादी हूँ। तुम्हारी बात मुझे प्रवोक कीजिए, राहुल गांधी लड़िए, तुम्हारी मैं तरफ दो नहीं। टुकड़े डाल दे के मैं तो खाओ बेटा। गांधीवादी हूँ, मुझे तुम बोलिए, मैं टॉमी आपसे टॉमी बात करूंगा। दो टुकड़े खाओ, तुम ये राहुल गांधी करते, इसने कोई रोजे वोजे नहीं रखे, झूठ बोल रहा है। वो बात नहीं है गौरव, वो दूसरी चीज नहीं है, दूसरी चीज नहीं है। मुद्दे पे मत जाओ, मुद्दे पे रहिए, चक्कर से आतंकी लगता है। साइन बाग में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इनकी मानसिकता को समझ लीजिए। इन लोगों से पूछिए धरना प्रदर्शन किस काम का। रुको जरा, सबर करो। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने एक दिन उपद्रव करने का प्रयास किया। मैंने कहा इनका वीडियो फुटेज बनाओ और इनसे जितनी संपत्ति डैमेज करते इनसे वसूली भी कर लो। को घाटा क्या है आप ये मुझे बताइए, जिस तरह आप विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने अभी बोला, उनके अंदर एजुकेशन नहीं थी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, तो उस वजह से ज्यादातर देखा गया तो मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब आवास लेने की बात आती है, सुनिए, जब आवास, अपने पॉइंट बताइए, मेरी बात सुनेंगे, पॉइंट बताइए। जब आवास लेने की बात आती है डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जब गैस सिलेंडर लेने की बात आती है डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जब सरकारी योजनाएं लेने की बात आती है सब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अभी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं भाई, सारे अभी इन्होंने कहा बोलिए, अभी क्या कैसे, मतलब सीए से मुसलमानों को क्या खतरा, भारतीय क्या खतरा, भारतीय मुसलमानों को क्या, अभी भारतीय मुसलमान को क्या बताओ क्या घाटा है भारतीय मुसलमान को। आप विरोध कर रही हैं, मेरा जानने का अधिकार है, आप क्यों विरोध कर रही हैं? अगर मुझे एक बार बोल देंगी तो मैं आपके साथ चलूंगा, विरोध करूंगा। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ ज़्यादा जाते लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और जो नए हैं वीडियो पे वो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सपोर्ट करोगे तभी तो हम इनके पंचर वालों के खुल के मारेंगे। आप सभी को जय हिंद।